फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्कार। मैं माया आप सभी का स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग। और ये जो मैंने संकटा चतुर्थी का वीडियो दिया था ना आप लोग को, वो मैंने आफ्टरनून तक दिया था, मतलब इवनिंग तक, हाँ दिया था। और फिर ये इवनिंग से स्टार्ट किया मैंने दूसरा वीडियो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वीडियो लेंथी हो जाती, फिर इतना ज़्यादा फिर लंबा वीडियो हो जाता, कोई दिखता नहीं, और एडिट करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ भोग प्रसाद के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पे दो प्रकार का तिली मैंने लिया, काली तिली और ये सफ़ेद तिली। यहाँ पे कौड़ी का आटा रख। फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? होप बढ़िया होंगे। और आज का वीडियो ना मैंने दो पार्ट में डाला है, मॉर्निंग का एंड ये इवनिंग का। और अभी इवनिंग हो गया है और मैंने पकवान जो भी बनता है हमारे यहाँ संकटा चतुर्थी में, मतलब तिलवा चौथ में, तो मैंने बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे अभी तिली का लड्डू बनाना है दो प्रकार का, काली और सफ़ेद। और वीडियो को मैंने पूरी देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा के हम वीडियो को तैयार करते हैं। मैंने ड्रेस चेंज कर लिया, ये देखिए। और अभी सकला बनाना है, काची बनाना है, साबुदाना बनाना है। तो चार से पाँच प्रकार के व्यंजन बनाने होते हैं पूजा के लिए, चढ़ाने के लिए। और जो भी चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से, ठीक है? ऐसे वीडियो को देखने के लिए कहाँ खोजोगी आप। तो फ्रेंड्स, अभी मैं सारे पकवान बना लूँगी, इसके बाद मैं ड्रेस चेंज करूँगी और फिर पूजा करना है छत में। तो जब चांद निकलेंगे ना, उसके बाद ही पूजा होती है, तो छत में ही पूजा करेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है, तो सब कवर कर लूँगी अच्छी तरह से, स्वेटर साल वगैरह पहन लूँगी। वैसे तो अंदर ही इतना ज़्यादा ठंडा लगता है इतना पहनने के बाद भी, लेकिन क्या करें, पूजा तो छत में ही करनी होती है, क्योंकि चांद के वहीं चांद की ही पूजा होती है ना। तो चांद की पूजा होती है और गणेश जी की पूजा होती है, और ये पूजा होती है तो जैसे कुमारी लड़कियाँ भी रहती है ना, इस व्रत को रहती है ना, तो भाइयों के लिए रहती है और शादी के बाद रहते हैं, तो फिर बच्चों के लिए, भाई के लिए, सभी के लिए हो जाता है, और फिर पति बच्चों के लिए हो जाता है जब हम परिवार से जुड़ जाते हैं ना ऐसा। तो चलिए फिर बाद में फिर मेरा लुक देखिएगा। बस लुक क्या, ठंडी में सब लुक तो ऐसा ही है। बस फटाफट से अब बनाना है, क्योंकि 5:30 या 6 का टाइम हो गया, मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। सो गाइज, यहाँ पे ना सबसे पहले तो मैं तिली के लड्डू वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि तिली के लड्डू में ही टाइम लगेगा। तो पहले मैं इसको लोहे की कढ़ाई में बनाऊँगी। यहाँ पे देखिए, गुड़ पक गया और काली वाली तिली का लड्डू बना रही हूँ। लड्डू नहीं, इसका मैं बर्फी टाइप से बना लूँगी, लेकिन पता नहीं इस बार गुड़ कौन सा आया है। 5 किलो गुड़ लेके आए थे, लेकिन कौन सा गुड़ आया है कि मतलब पहले तो ठीक रहता है, इसके बाद जब हम लड्डू वगैरह बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर बिल्कुल जम जाता है, बिल्कुल बैठ जाता है। तो पता नहीं अजीब सा गुड़ आ रहा है, लेकिन ये है क्योंकि कोई मतलब बन जाए तो अच्छा है, शेप में आ जाता है, और ये नहीं बनता है तो फिर कटोरी और चम्मच में खाने लायक हो जाता है, ऐसा हो जाता है। और यहाँ पे देखिए, काली वाली तिली मतलब गुड़ थोड़ा ज़्यादा डाल के बना रहे हैं, क्योंकि बच्चों को मीठा ना ज़्यादा पसंद आता है, गुड़ है वैसे भी फ़ायदा करता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा घी हाथ में लगा लूँगी और इसमें भी थोड़ा सा डाल लेती, इसके बाद ही मैं बनाऊँगी। और ये एक थाली पे इसमें लगा लूँगी, इसका बर्फी टाइप से मैं डाल दूँगी। और फिर अभी हमें कौड़ी का आटा भी भूनना है, सकला बैठाना है। और यहाँ पे देखिए, मैं इसको डाले ले रही हूँ ये थाली पे, मैंने तेल लगा दिया है, ग्रीस कर दिया है। और इसके बाद मैं यहाँ पे ये जो वेटर है ना सारा, मतलब ये गुड़ और तिल का, तो मैं इस पर डाल दूँगी और फिर थाली में फैला दूँगी। मिठाई की कतली जैसा ये निकल आता है। यहाँ पे देखिए, बेटा बेलन लेके आया है, तो अच्छा अच्छा आइडिया लगा देता है। तो मैं तो बस ऐसे हाथ से ही करने वाली थी, लेकिन बेलन लेके आया बेटा, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, हाथ गर्मा गर्म ही नहीं है, हाथ जलेगा और फटाफट से ऐसे हो जाएगा। तो बस हो गया, ऐसे ही करके हम तैयार करेंगे। मतलब हमको 1-2 घंटे का ऐसे टाइम लग गया, और चंद्रमा निकलने वाले थे 9 के करीब में, तो फिर रेडी भी होना, पूजा की सारी तैयारी भी करनी है, तो अभी बहुत ही ज़्यादा टाइम मतलब लग जाएगा हमें। और यहाँ पे देखिए, लड्डू वगैरह बन गए ना, यहाँ पे हम साबूदाना भून रहे हैं, और फिर एक तरफ मैं साबूदाना भी चढ़ा दूँगी। और फिर अभी बनाना है क्या, काची भी बनानी है, तो उसको ये देखिए, ये काची का जो आटा है उसको भी मैंने भून लिया है। यहाँ पे साबूदाना मैंने चढ़ा दिया, दूध चढ़ा दिया था खौलने के लिए, और यहाँ पे डाल दिया है साबूदाना। तो बस हो गया, एक एक करके हम रेडी कर लेंगे और हो जाता है। और यहाँ पे देखिए, गुड़ का हम काची बना रहे हैं, जो सिंघाड़े का आटा का, गुड़ का बढ़िया रहता है, गुड़ का तो वैसे फ़ायदेमंद होता है आजकल के उसमें। और सब बना लिया है जो मुझे बनाना था अभी। यहाँ पे देखिए, काची वगैरह भी ये देखिए बन गया है। और यहाँ पे पूजा के लिए मैं ये भोग के लिए थाली तैयार कर रही हूँ।
तो साबूदाना भी बन गया है यहाँ पे, अभी दूध रखा है, दूध मैंने गर्म नहीं किया है, और लड्डू भी बन चुका है। तो चलिए फिर रेडी हो जाती हूँ, जा रही हूँ। और यहाँ चलिए फिर फटाफट से जो मैंने भोग प्रसाद तैयार किया ना, तो थाली पे एक निकाल लेती हूँ, और फिर अभी महावर भी लगाना है। तो यहाँ पे मैंने सारा थाली से तैयार कर दिया, और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ महावर, और अब मैं चेंज करूँगी तो साड़ी ही पहनूंगी। सो गाइस, चांद निकलने वाला है, और यहाँ पे मैं आ गई हूँ छत में पूजा करने। तो हमारे यहाँ जैसे आम की लकड़ी, आम का पट्टा होता है ना, तो उसी पे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास चौकी है, आम की पट्टा तो नहीं है, और बहुत ही बड़ा वाला पट्टा है, तो उसको मैंने नहीं लाया। और यहाँ पे तिल से ही चंद्रमा बनाया जाता है, पहाड़ बनाया जाता है, तो उसको मैंने बना लिया है, और ज़्यादा मैंने शेयर नहीं किया, बस थोड़ा थोड़ा आप लोग से मैंने शेयर किया। यहाँ पर मैं पूजा अकेले ही करी, और सच में ठंड इतनी ज़्यादा लग रही थी ना, मुझे तो चांद जी के दर्शन भी नहीं हुए। और यहाँ पे बच्चे लोग देखिए करवा रहे हैं आरती, और मैंने कितना सारा कपड़ा पहन के रखा है, और साल स्वेटर इनर वगैरह सब मैंने पहना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही थी, और मतलब पूजा करते समय ना आधा से घंटे से ज़्यादा लगा। और यहाँ पे देखिए हमारी पूजा हो चुकी है, पूजा आरती वगैरह जो भी है, हवन सब हो चुका है, और बस अब चलिए चलते हैं नीचे। चलिए पूजा हो चुकी है, अब चलते हैं नीचे, बहुत ही ज़्यादा ठंड है, और चलिए चलते हैं थाली लेके नीचे। सो गाइस, हम छत से आ गए पूजा करके, और अब बस हो गया वो जो प्रसाद भोग कर, तो वही प्रसाद लेंगे। तो इससे सबसे पहले ना नारियल पानी लेने वाले थे, ये देखिए नारियल पानी हमने प्रसाद में भी चढ़ा दिया था, और इसी का सबसे पहले हम प्रसाद लेने वाले थे। जो तिली चढ़ाते हैं ना, तो पहले काली तिली जो होती पूजा की, उससे व्रत खोला जाता है, और फिर इसके बाद ये हम नारियल पानी पियेंगे, और फिर इसके बाद जो भोग प्रसाद के लिए बनाए थे ना, तो उसको तो आज के दिन नमक वगैरह कुछ नहीं लेते, नमक में मतलब पूड़ी आलू ये सब कुछ नहीं, जो बनाते हैं भोग प्रसाद के लिए जो ही हम लेते। और छत में सच में बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी, और इतना सारा मैं कपड़ा ढेर सारा ला दी थी, आपने भी पूजा वीडियो देखा ना कि मैं कितना ज़्यादा कवर की रही हूँ। तो चलिए फिर आइए, आप लोग भी पी लीजिए नारियल पानी, और संकटा चतुर्थी का प्रसाद भी है ये, तो इसे शुरुआत करते हैं, पी लेते हैं। तो चलिए फिर, आप तो बस आपको यहीं से दे सकते हैं, बट आपके पास पहुंचेगा नहीं। चलिए हम भी पी लेते हैं। सो गाइस, यही आज का हमारा फलाहार है, तो हम बस इतना ही लेने वाले हैं, तो आप लोग भी बताना आप लोग क्या लेते हैं। और बस आज का वीडियो हमारा इतना ही है, आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट वीडियो पे, स्वस्थ रहें, मस्त।